आप देख रहे हैं मानसून लगभग ख़त्म होने को है, तो ऐसे समय में अब रबी फसलों का खेती का समय आ गया है। और रबी में जो झारखंड में हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर एरिया जो है कि तिलहन का है, तिलहन के खेती के लिए, तिलहन में के खेती में प्रमुख फसल जो है जो झारखंड में उगाया जाता है, इसमें तोरी, सरसों और तीसी, यही तीन प्रमुख फसल है जिसकी खेती किसान भाई सफलतापूर्वक की जा करते हैं। अब इनकी खेती जो है कि करने के लिए सबसे पहला चीज़ है कि ये भूमि का चुनाव करें। ये मध्यम ज़मीन या ऊपरी ज़मीन जिसमें कि नमी की मात्रा पर्याप्त है, उसकी दो तीन जुताई करने के बाद अच्छी तरह से पाटा देकर ज़मीन को, मिट्टी को भुरभुरी बना लें और भुरभुरी बनाने के बाद उसमें अपनी बुआई करें। इसके लिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि तोरी का समय, बुआई का समय तो सितंबर के लास्ट वीक में है, लेकिन चूँकि इस बार बारिश ज़्यादा होते रहा है, बीच बीच में बारिश होते रही है, तो अभी भी आप 15 अक्टूबर तक तोरी का बुआई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप भूमि का चुनाव करें, उसकी तैयारी करें। तैयारी के समय उसमें 4 से 5 टन अगर सड़ी हुई गोबर की खाद है तो उसको अच्छी तरह से मिला दें। मिलाने के बाद उसको फसल की बुआई जो है नालियों में करें, नालियों मीन्स कुंड में करें, नाली बना करें और कतार से कतार की दूरी को आप मेंटेन करें। इसके लिए चाहे वो तीसी हो, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो तोरी हो, इसके लिए लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं और अगर पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें, या यूँ कर लें कि बित्ता से अगर नाप लें, सेंटीमीटर नहीं है खेतों में, तो 1 से 1.25 बित्ता की दूरी को पौधे से पौधे की दूरी बना कर रखें, तो पौधों को बढ़वार, वनस्पतिक वृद्धि बहुत अच्छी तरह से होती है और उसमें निकाई गुड़ाई करने में आपको सुविधा होता है। साथ ही साथ जब उसकी वनस्पतिक वृद्धि अधिक होगी तो उसमें फल फूल अधिक लगेंगे। जहाँ तक प्रभेद की बात हम लोग कर रहे थे कि तीसी के उन्नत प्रभेद की 397, दिव्या, प्रियम और ये बिरसा तीसी 3, इन सब प्रभेदों का जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किए गए हैं, इनका सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। तोरी की बात अगर हम लोग करें तो तोरी में TS38 जो है ये आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई, जो कि झारखंड प्रदेश के लिए भी रिकमेंडेड है, इसकी खेती करें। इसके अलावे आपका तपेश्वरी है, भवानी है और PT303, और जबकि PT303 काफ़ी पुरानी वेराइटी है लेकिन ये भी काफ़ी दिनों से प्रचलित है और ये नेशनल चेक में भी ये यूज होता है, इसलिए इसकी खेती भी झारखंड प्रदेश में सफलतापूर्वक की जा सकती है। अब रही बात सरसों की, तो सरसों का बहुत ही अनुकूल समय आ रहा है और किसान भाई खेत की तैयारी करने के बाद सरसों का भी उचित प्रभेद का चुनाव करें। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2021 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित बिरसा भाभा मस्टर्ड 1 ये बहुत ही अच्छी किस्म है। इसके अलावे DRMR 150-35, इसके अलावे आपको NRCHB 101, Pusa Bold Pusa 30, ये इन सब किस्मों का, ये सब काफ़ी हाई यील्डिंग वेराइटी है, इन सब किस्मों का आप अच्छी तरह से सफलतापूर्वक यहाँ पे झारखंड प्रदेश में इन सब प्रभेदों का खेती कर सकते हैं।